उत्ते पाके बाकी उत्ते पाके बाकी उत्ते पता ये सुची उठे आ खाली कबरी गवाही इस गल दी परे जरूर भावे दुनिया
ਕੋਠੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਠੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਪਾਕੇ ਮੋਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਕੇ ਮੋਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਕੇ ਮੋਤੀ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਆ ਖਾਲੀ ਕਬਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਰੇ
हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आज के दिन के लिए परमेश्वर आपका थैंक्स करते हैं और आप सबका स्वागत है परमेश्वर की जीवित हजूरी में, प्रेयर माउंटेन में। यहाँ पे एक ऐसी सामर्थ्य, ऐसा अभिषेक मौजूद है जो आपको आपके दुखों से, आपकी बीमारियों से, आपके प्रॉब्लम से परमेश्वर आपको छुटकारा देता है, रिहाई देता है। तो आज आप प्रेयर माउंटेन के साथ जुड़े हैं, मेरा बिलीव है आज आपका जीवन सेम नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम में। और आज हम एक टेस्टमनी को यहाँ से सुनेंगे जो बहुत ही बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी है, और मेरा बिलीव है ये गवाही आपकी लाइफ को, आपके जीवन को परिवर्तन करेगी। तो ध्यान से और आत्मा में रहते हुए इस गवाही को आपने सुनना है। भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनप्रीत ब्रदर। मनप्रीत, कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ। 5 साल पहले आप गलत संगति में चले गए थे और आपने जैसे जुआ खेलना, नशा करना शुरू कर दिया। कैसे ये शुरुआत हुई आपके जीवन में इन चीज़ों की? मैं ना गलत संगति में चला गया था। मेरे फ्रेंड थे जो, वो जुआ खेलते थे, वो मुझे भी कैसे मुझे कहते थे कि मनप्रीत फलानी जगह चल, जुआ हो रहा है, हमारे साथ चला जा। तब मैं खेलता नहीं था, वो मैं एक दो बार गया ब्रदर उनके साथ, तो फिर मैं भी उनके साथ मैंने देखा कि यार जब हार जीत होती है तो मैं भी एक दिन खेलने लगा, और ब्रदर मैं एक दिन जीत गया। और जब मैं फिर ऐसे खेलता गया तो फिर मैंने हारना चालू हो गया मेरा, और फिर ब्रदर मैंने किसी से 10,000 पकड़ लिया, किसी से 50 पकड़ लिया, ऐसे करते करते मैंने 3 लाख रुपया पकड़ के हार गया। और उसके कारण ब्रदर मैं ना डिप्रेशन में चला गया, और फिर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगा। मतलब 3 लाख के कर्जे के नीचे आ गया? कर्जे के नीचे आ गया, फिर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगा। फिर वो मुझे कहने लगे कि मनप्रीत ड्रिंक करें, फिर मैं उनके साथ ड्रिंक करने लगा, पहले एक पैग लगा, फिर दो, ऐसे करते करते मैंने बोतल पीनी चालू कर दी। और फिर मैं ब्रदर घर से बाहर रहने लगा, जैसे सुबह निकलना पता नहीं था कि रात के 12 बजने हैं या सुबह के फिर 5 बजने, और मेरा ब्रदर अपने यार को लेके मुझे ढूंढने चला जाता था, और मैं इनको मिलता नहीं था। जब मैं इनको मिलता नहीं था तो फिर मैं जब घर में आता था तो मेरे घर में मेरी क्लेश बहुत होती थी मेरी पत्नी के साथ, वो भी मुझे बोलती थी कि तू इतनी देर कहाँ रहता है। फिर नशे के कारण मेरे घर में बहुत ज़्यादा क्लेश होने लगी, फिर मैं टेंशन में जाने लगा। और कई बार मैं ऐसा सोचता होता था जब मैं टेंशन में क्लेश होती थी, जब सो जाते थे मेरे घर वाले, तो फिर मैं इतना टेंशन में सोचता कि कभी पंखे बाल देखता कि इसके साथ रस्सी बाल कर फा ले लूँ, कभी मैं सोचता सुसाइड मरने की कोशिश के बारे में सोचते थे। फिर मैं कभी ये सोचता होता था कि बाहर जाके गाड़ी के नीचे आ जाऊँ, इसी टेंशन में मेरा ब्रदर मुझे ढूंढने चला जाता था। और जब इन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे थे कि नशा भी नहीं छूट रहा था, जुआ भी नहीं छूट रहा था, मतलब कोशिश तो की होगी कभी कि छोड़ के देखूँ इन चीज़ों को, नशे को? कोशिश कर रहा था, करने की सोच रहा था एक दिन। और उससे पहले मेरे ब्रदर ने मुझे बताया एक दिन कि मनप्रीत तू ऐसा कर, तू सुधर नहीं रहा, तू मेरे साथ खामरा चर चल। तो फिर ब्रदर मैं इनको बोलता था कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। जब परमेश्वर ने काम करना हो तो एक बार जैसे शोभा यात्रा थी पापा जी की 19 तारीख को, तो ऐसे मेरा ब्रदर मुझे बोला कि सुबह शोभा यात्रा है, तो अपनी बीबी को बोल रहा कि मेरे कपड़े कुपड़े सारे मतलब कर देना प्रेस। तो मैंने भी इसको बोला, मैंने कहा भाई मैं भी चलूँगा तेरे साथ। तो फिर मैं इनके साथ आया। जब मैं जहाँ चर्च में आया तो ब्रदर, जब मैंने देखा कि गेट के बाहर तक गाड़ी लगी हुई थी, चर्च के अंदर जब हुआ तो इतनी भीड़, मैं देखकर हैरान था कि इतनी भीड़ और इतने क्या काम होगा। फिर मैंने अपने मन में सोचा कि यार इतने लोग जहाँ पे हैं, इतने हैं तो कुछ होगा तो फ्री है। और जब मैं शोभा यात्रा पापा जी की निकली, जब मैंने पापा जी को कमरे से बाहर आए जब देखा, तो मुझे उनके चेहरे पे कुछ दिख, मैं ऐसे नूरखा और मुझे अपने आप को फील हुआ कि यार कुछ है जहाँ पे। जब शोभा यात्रा निकली, जब ब्रदर देखा कि बाहर रोड तक, बाहर बहुत तगड़ा रोड था और रोड पर इतनी भीड़ थी कि मैं देख के हैरान था। फिर मैंने सोचा कि नहीं खुदा के काम होगा जहाँ। और उसी शोभा यात्रा जो 19 दिसंबर 2023 को निकली थी, उसी पे आपने परमेश्वर के दास की गवाही को सुना था? हाँ, फिर मैंने उस गवाही को सुना, और जब पापा जी ने गवाही दी
तो मैंने उस गवाही को सुना, फिर मैंने अब उसको मैंने रिसीव किया। मैंने कहा कि जब पापा की ज़िंदगी में ये काम हो सकता तो मेरा तो नशा ही कुछ नहीं है, मेरा तो जुआ ही कुछ नहीं है। तो फिर मैंने उसको रिसीव किया, फिर मैं घर जाके जैसे ब्रदर प्रेयर करता था मैं उसी तरह प्रेयर की, और फिर मुझे ऐसे हील होते। जब मैंने 25 दिसंबर को पापा जी की लाइव मीटिंग देखी और पापा जी ने जब नशे वाली आत्मा को ढाका, तो फिर मैंने उसको, मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे शरीर में कुछ निकल गया, मुझे अपने आप को होलापन लगा। उसी दिन से ब्रदर ना नहीं मैंने कुछ नशा किया है, ना जुआ खेला है, ना मेरे घर में क्लेश है, और मैं पापा जी का और मम्मा जी का इतना थैंक्स करता हूँ कि जहाँ पे बहुत हील है और परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर काम करता है, वो वाकई हील मिलती है अगर उनके साथ कोई वफादार रहेगा। तो परमेश्वर के साथ वफादार रहोगे तो आप हील होगे। मैं यही कहता हूँ जितने भी मेरे ब्रदर जो भी नशा करते हैं, जो नशे में हैं, जो जुए में हैं, जो विपचार में हैं, मैं उनको यही गवाही कहता हूँ कि परमेश्वर को जानो, परमेश्वर के घर आओ और पापा जी को सुनो, आप हील होंगे, पक्का हील होंगे, क्योंकि यीशु मसीह हील करने वाला परमेश्वर है वो। तारीफ करें परमेश्वर की। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपने सुना इस भाई के मुँह से कि कैसे परमेश्वर ने इनकी पाप में जिंदगी को चेंज किया और एक इनको नया जीवन परमेश्वर ने दिया है। 25 दिसंबर 2023 को जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल उन लोगों के लिए जो नशा करते हैं उनके लिए प्रार्थना की, नशे की दुष्ट आत्माओं को डांटा, तो इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। तो आइए उस प्रार्थना को देखते हैं। आज से नशे का आखिरी दिन है आज की लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावंत का आत्मा कह रहा है 2024 में वो शैतान को, वो नशे को तुम्हारे घरों से उखाड़ देगा, वो तुम्हारे घरों से निकाल देगा, तुम्हारे घर पवित्रताई में चलेंगे। आमीन। चाहिए बरकत तुम्हारी है। और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आपने कोई नशा नहीं किया? नहीं ब्रदर। अभी आपका जीवन फिर कैसा है? आप जीवन मेरा बिल्कुल बढ़िया है। मैं सुबह प्रात पापा जी के वचन सुनता हूँ, सुबह जब उठता हूँ फिर मैं प्रेयर में बैठता हूँ। आप इनके बड़े भाई हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इनकी लाइफ कैसी थी, कैसा माहौल था घर का उस समय? ब्रदर इनकी लाइफ बहुत खराब थी। ये बहुत नचा करते थे और जुआ खेलता था, रात को बहुत आधी आधी रात को घर आता था, तो इसकी वाइफ के साथ इसका बहुत झगड़ा होता था। तो हम इसको बहुत समझाते थे लेकिन ये समझ नहीं पाता था। हम परमेश्वर के बारे में भी इसको बताते थे, हम इसको बोलते भी खामरा चर्च हमारे साथ चल, लेकिन जो चलता नहीं था। फिर मेरा विश्वास था कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। मेरा विश्वास है कि एक ना एक दिन ये जरूर बचाया जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में हमेशा भी छोड़ दिया है। जब से ये परमेश्वर में जुड़ा है, परमेश्वर ने इसके जीवन में काम किया और अब ना कोई क्लेश है, ना कोई मपी दारू है, ना जुआ है। अब इसकी लाइफ बिल्कुल क्लीन है, परमेश्वर ने बिल्कुल 99 क्लीन साफ कर दिया। थैंक यू जीसस, यीशु मसीह ने अपने लहू से धो दिया। हालेलुया, हालेलुया। आपने इस भाई के मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इस भाई के जीवन में काम किया। तो ये एक परमेश्वर का हाथ है अपने दास दासी के ऊपर कि जिनके द्वारा आज हम ब्लेस हो रहे हैं, हम छुटकारा पा रहे हैं। आज आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं, जो जुआ खेलते हैं, जो पाप के जीवन में है, व्यभिचार में है, या किसी भी तरह की गंदगी में, ऐसे पापों में जहां से आप निकल नहीं पा रहे, तो आज आपने जब मास प्रेयर होगी, फायर प्रेयर होगी, तो पूरे विश्वास के साथ आपने उस प्रार्थना को अटेंड करना है और उस प्रार्थना को आपने रिसीव करना है। मेरा बिलीव है आज आपकी उस नशे की आदत का, उस दुष्ट आत्मा का, उस पाप का आज आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो जाएं प्रेयर को रिसीव करने के लिए, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और गैर भाषा में सब प्रार्थना करें।
दीपक को सर पे सर मौसम मुझे मिले करे 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 पे मिले करे 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 पे दीपक को सर पे सर मौसम मुझे मिले करे करे पे मिले करे 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 पे दीपक को सर पे सर मौसम मुझे मिले करे करे पे मिले करे 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 पे दीपक को सर पे सर मौसम जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना पहाड़ के ऊपर मौजूद हैं, आज इस मसीह के नीचे अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि जो गैर भाषाओं में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है, वो अपने शरीर की, अपने प्राण की, अपने फाइनेंस में, अपने बिजनेस में, वो हर एक जगह उन्नति करता है। आज आपने ऊंची आवाज में अन्य भाषाओं में बातें करनी है। ले बाराबा शिबा ना खाता ना पाता मिले मेरे मेरे ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में गैर भाषाओं के साथ शिकले मेरे 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 शिमान मान मखा देना बड़ा 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 मेरे 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 शिबाला बड़ा 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 शिका बड़ा 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 शिबाला बड़ा 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 शिकला बड़ा 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 नमः हस्ता नमः नमः शिक्रियां दरा बड़ा 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 नमः यां दरा मस्त शिखा दरा नमः 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 लेके दे 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 शिवा दा बड़ा 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 ये दे 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 अभी याद रखें, ये गैर भाषाओं की प्रार्थना ये शैतान नहीं समझ सकता, ये परमेश्वर की भाषाएं हैं। अगर जैसे ही आप गैर भाषाओं में प्रार्थना करनी शुरू करेंगे तो आप देखेंगे परमेश्वर के मसीह को अपनी लाइफ के ऊपर आता हुआ ऊंची आवाज में गैर भाषाओं के साथ ऊंची आवाज में शिवाला बड़ा 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 मेरे कन्ने मेरे कन्ने बड़े 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 ना प्रियंदा ना मना 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 शिमा खाता ना बड़ा 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 ले बड़े कले बड़े कले बड़े कले बड़े बड़े ना प्रियंदा ना शिमा ना ना खासा ना बड़ा बड़ा शिमा ना खासा ना बड़ा ले प्रभु सोतो नो मुझ शक्रिया नो ब्रह्मा सुखा ना के चिकिल लबा ले प्रभु सोतो तेरे बड़े 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 ऊंची आवाज में क्या बात करने साथ शिबाला बारा 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 ले बेड़े बेले बेड़े बेले बेड़े बेड़े बेले बेड़े शिबाले के ले बेड़े के ले बेड़े के ले बेड़े के ले बेड़े ले बेड़े के ले बेड़े के ले बेड़े के ले बेड़े के ले बेड़े शिबाले के ले बेले के ले बेले 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 बेड़े शिकाला बारा 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 ले बे हस्ते में ने खिंच के ले बारा 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 ना प्रियंका ना मशीमांडा ना मखासा बाला बारा बारा ले प्रोपोस्ट को दो ले प्रोपोस्ट को दो आज इस प्रेजेंस के नीचे अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ सब जन, जितने लोग ऑनलाइन हमें घरों से देख रहे हैं अपने हाथों को उठाओ और अपने हाथों को हिलाओ सब जन, और परमेश्वर का थैंक्स करो ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस उसकी गवाहियों के लिए जो उसने आपकी लाइफ में दी, उसके कामों के लिए जो उसने आपकी लाइफ में किए, एडवांस में उनका थैंक्स करो ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस तेरे बड़े कामों के लिए परमेश्वर, जो काम तूने मेरी लाइफ में किए, जो गवाहियां तूने मुझे दी उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। थैंक यू जीसस, 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 ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस, सात बार बोलो थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। आपने सुना होगा परमेश्वर के दास से, परमेश्वर के दास ने कहा अगर आप परमेश्वर का थैंक्स करना जानते हैं तो आप अपनी गवाहियों को, अपनी टेस्टिमनीज को भी परमेश्वर से फिर ले सकते हैं। आज अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को हिलाओ, स्वर्ग की ओर देख के बोलो थैंक यू जीसस, 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 तेरे बड़े कामों के लिए परमेश्वर। बाइबल कहती है यहोवा का धन्यवाद करना भला है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। आज हम प्रार्थना करेंगे उन कमजोरियों के खिलाफ, जो कमजोरी आपकी लाइफ में काम करती है, वो फोन की एडिक्शन हो सकती है, वो गंदा देखना हो सकता है, वो व्यभिचार हो सकता है, वो नशा हो सकता है, जो चीजें जो आपकी कमजोरी है, याद रखें आपकी अभिलाषा, आपकी इच्छाएं वो शैतान से भी बड़ी आपकी लाइफ में काम कर सकती है। वो सारी कमजोरियां, वो सारी इच्छाएं जो परमेश्वर से आपको अलग करने की कोशिश करती है, आज उन इच्छाओं को छोड़ दो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। जो चीज आपको
परमेश्वर से अलग करें, उसे आज अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट कर दो यीशु मसीह के पवित्र नाम में। वो सारी कमजोरियां बोलो कि आज मैं सारी कमजोरियों को, सारी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज मैं अपना मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करता हूं, आज उस महान परमेश्वर के साथ मैं अपना मेल मिलाप करता हूं। हम शैतान की सारी योजनाओं के ऊपर, आपकी सारी कमियों के ऊपर आज यहां से फायर को रिलीज करते हैं। वो सारी कमियां, वो सारी अभिलाषाएं जो शैतानी है, वो आलस की आत्मा, वो फोन की एडिक्शन, वो सारी एडिक्शन जा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में चल के नाश हो जाए। रिलीज कर दो, फायर 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 रिलीज करो, रिलीज करो, फायर फायर पूरी फायर। Release the fire, 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 fire. आप जानते हैं कि लाइफ में कौन सी कमजोरी है जो आपको परमेश्वर से पीछे ले जाती है? वो गंदा देखना हो सकता है, वो ब्लू फिल्म हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, वो चोरी हो सकती है, वो नशा हो सकता है, वो व्यभिचार हो सकता है। वो सारी कमजोरियां जब तक आपकी लाइफ में रहेंगी तो आपका बीवी अपने उस फ्लो के ऊपर जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में वो मेजर कॉलिंग रखी, आप उसके ऊपर कभी नहीं पहुंच सकते। आज बोलो कि मैं अपनी लाइफ से इन सारी कमजोरियों को डिस्कनेक्ट करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस लालच को मैं अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस चोरी को मैं अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट करता हूं, इस गंदे देखने को, इस फोन की एडिक्शन से मैं अपने आप को डिस्कनेक्ट करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सारी कमजोरियां आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम इसे डिस्कनेक्ट करते हैं यीशु मसीह के नाम में। डिस्कनेक्ट हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। डिस्कनेक्ट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। डिस्कनेक्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। डिस्कनेक्ट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज अपने हाथों को उठा के परमेश्वर से क्षमा मांगो, आज अपने हाथों को उठा के परमेश्वर से क्षमा मांगो उन सारी गलतियों के लिए, उन गुप्त पापों के लिए जो पाप आपने किए, उनसे क्षमा मांगो और अपना मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करो। क्योंकि जब आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ होता है तब भी ये शैतान डरता है, तब भी शैतान को आग लगती है। आज अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मैं क्षमा मांगता हूं, जो गलतियां, जो गुप्त पाप मैंने किए मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। लेकिन परमेश्वर मैं चाहता हूं कि तू मुझे अपनी आत्मा से भर, क्योंकि तूने कहा मैं अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा जरूर दूंगा। कहे परमेश्वर आज मुझे अपनी ताकत से, आज मुझे अपने वरदानों से, आज मुझे अपनी अपनी फायर से, अपनी आग से भर। हम यहां से रिलीज करते हैं इस मसे के नीचे जो मसा परमेश्वर ने अपने दास को दिया, अपनी दासी को दिया। कैच करो होली गोस्ट, फायर 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 फायर। सामर्थ को पाओगे, जो वो पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम्हारे अंदर आएगी तो वो बीमारी तुम्हारा हिस्सा नहीं हो सकती, वो चोरी, वो व्यभिचार, वो नशा तुम्हारे अंदर नहीं रह सकता। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर एंटर करेगा आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जब उसकी सामर्थ तुम्हारे अंदर एंटर करेगी, तुझे सारी शर्मिंदगी फिनिश हो जाएगी यीशु मसीह के पवित्र नाम में। हम यहां से रिलीज करते हैं, कैच करो होली गोस्ट, फायर 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 फायर। Holy Ghost fire, the best of them. Get the Holy Ghost fire. Fire, fire, fire. But die. Fire! 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 F
बालक हमें देख रहा है, जितने बुजुर्ग हमें देख रहे हैं, जितने बच्चे हमें देख रहे हैं, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेल दूंगा, तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज वो दिन है पवित्र आत्मा की फायर को रिसीव करने के लिए, क्योंकि जब पेंतिकोस के दिन वो 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, उन 120 लोगों के ऊपर आग की लपटें आ गई और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज वो आग की लपटें आपके घरों के ऊपर आए, आज वो आग की लपटें आपकी फैमिली पे, आपके बच्चों पे, आपके बुजुर्गों के ऊपर आए, यीशु मसीह के नाम में फिर भी होली का आपकी लाइफ में एक योजना है परमेश्वर की, वैसे ही एक योजना शैतान की भी है। शैतान की योजना आपकी लाइफ में क्या है कि वो यूथ को नशों में लेके जाना चाहता है, वो आपको व्यभिचार में रखना चाहता है, वो आपको गरीबी में, आपको फेलियर में रखना चाहता है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे तेरे हाथों के कामों के ऊपर फलवंत दूंगा, मैं तुझे हाथों के कामों को सफलता दूंगा। परमेश्वर आपको दीर्घायु देना चाहता है, परमेश्वर आपको एक बेस्ट लाइफ देना चाहता है। आज शैतान की सारी योजना को इस प्रार्थना पहाड़ की फायर के साथ कैंसिल कर दो, सारी योजना शैतान की सारी प्लानिंग प्रभु यीशु मसीह के नाम में कैंसिल हो जाए, 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 सारी शैतान की योजना, सारी शैतान की प्लानिंग कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए, सारी शैतान की योजना, सारी शैतान की योजना कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए। आप नहीं जानते कि शैतान ने आपके बच्चों के खिलाफ क्या सोचा हुआ है, आप नहीं जानते कि शैतान ने आपकी लाइफ के खिलाफ क्या सोचा हुआ है। जब शैतान के ऊपर रिलीज करोगे आप फायर, तब भी शैतान भागेगा, तब भी उसकी बुद्धि कंफ्यूज होगी। आज ऊंची आवाज में पेड़ से बोलो, शैतान की सारी योजना इस फायर के नीचे होली गोस्ट फायर से वो कैंसिल हो जाए, रिलीज करो होली गोस्ट फायर, सारी शैतान की प्लानिंग उसकी योजना फायर। जैसे ही आप इस फायर को रिलीज करेंगे, अगर शैतान ने सोचा होगा कि मैं इसको कुछ गलत खिलाऊंगा, अगर शैतान ने सोचा होगा कि मैं इसको गलत रास्ते के ऊपर ले जाऊंगा, अगर शैतान ने आपके बच्चों के खिलाफ सोचा हुआ है, अगर शैतान ने आपके बिजनेस के खिलाफ सोचा हुआ है, आप बोलो, पेट से बोलो, शैतान की सारी योजना के ऊपर आज फायर उतरे, स्वर्ग से आज फायर उतरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो मसा परमेश्वर ने अपनी दासी को दिया, जो मसा परमेश्वर ने अपने दास को दिया, और उस मसे के नीचे हम कमांड करते हैं आपके जीवन से, आपके बिजनेस से, आपके बच्चों से, शैतान की सारी योजनाएं नाश हो जाए इस फायर के नीचे। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, रिलीज करो, रिलीज करो, फायर में, कैसे, कैसे फायर। Fire! 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 Fire!
कि परमेश्वर आपकी इच्छा मेरी लाइफ पे पूरी हो, आप बोलो कि परमेश्वर आपकी मर्जी मेरी लाइफ पे पूरी हो। आज हम यहां से घोषणा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज के बाद शैतान आपकी लाइफ में काम ना करने पाएगा, आज के बाद शैतान आपके बिजनेस में काम ना करने पाएगा, आज के बाद शैतान आपके घरों में काम ना करने पाएगा। शैतान की सारी योजना आज इस मसीह के नीचे वो कैंसिल हो चुकी है। शैतान की सारी योजना आज इस अभिषेक के नीचे वो फिनिश हो चुकी, वो कैंसिल हो चुकी, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा जब अभिषेक तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम्हारे सारे बंधन तोड़ दिए जाएंगे। वो शैतान ने जितने बंधन आपके घरों के ऊपर लगाए, जितने बंधन उसने आपकी फैमिली के ऊपर लगाए, जितने बंधन वो पाप का, वो नशे का, वो व्यभिचार का, वो गरीबी का, आज तोड़ दो सारे बंधनों को। वो सारे बंधन ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, तोड़ दो सारे बंधन, तोड़ दो बैठे हैं, अगर आप निराशा में आप रोते रहते हैं, आप सोचते हैं कि परमेश्वर कुछ करेंगे, तो यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया, सब कुछ पूरा हुआ। आज शैतान की सारी योजनाओं को, उसके सारे बंधनों को ब्रेक कर दो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो व्यभिचार का बंधन, वो पाप का बंधन, वो गरीबी का बंधन, आपके घरों में जादू टोने का बंधन यीशु मसीह के पवित्र नाम में भी ब्रेक। In the name of Jesus! अपने पेट पे हाथ रखो, जो बहने प्रेग्नेंट है अपने पेट पे हाथ रखो, और भाई अपने हाथों को उठाओ, उस गर्भ को हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में ब्लेस घोषित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो बहने प्रेग्नेंट है उनको प्रेगनेंसी का सेकंड मंथ चल रहा है, या फाइव मंथ चल रहा है, कोई भी मंथ चल रहा है, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस प्रार्थना पहाड़ से आपको टच करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप इसी साल अपने बेबी बॉय की गवाही के साथ ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज इसी साल अपनी बेबी गर्ल की गवाही के साथ ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। शैतान आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी छेड़खानी नहीं करने पाएगा। शैतान की सारी योजना को हम आपकी प्रेगनेंसी के विरोध में से कैंसिल करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस्ड। आपके घर फल हो जाए, आपके घर फल बंद हो जाए, आपके घर फल लेके आए। बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड। जिन बहनों के बेबी नहीं है, अगर आपकी मैरिज को 10 साल हुए, आपकी मैरिज को 12 साल हुए, 15 साल हुए, आप अपने पेट पे हाथ रखो। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, आप अपने आज पेट पे हाथ रखो। इस प्रार्थना पहाड़ के मसे से हम रिलीज करते हैं फायर उस शैतान की आत्मा के ऊपर, उस रसौलियों के ऊपर, उस पत्थरियों के ऊपर, उस गंदे सपने के ऊपर जो आपको गंदा सपना आता है और आपका मिसकैरेज हो जाता है। डॉक्टर ने बोला हुआ कि आपके यूट्रस में रसौलियां हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में शैतान की सारे हथियार, उसके सारे हथियारों का अपनी बॉडी से, अपने ब्लड से, आपके सिस्टम से हम आउट करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। और हम आपके गर्भ को कमांड करते हैं, आपका गर्भ फ्रूटफुल हो जाए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लेस्ड प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी ब्लेस्ड, 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 फायर से, फायर से। बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड।
पिता ने बातचीत, उसने कहा कि मैं पांच को लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता हूं। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा क्योंकि पांच को लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। आज अपने पेट के ऊपर हाथ रखो और रिसीव करो अपने शैमियल को, रिसीव करो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड। हम आपके पेट को आशीषित घोषित करते हैं, हम आपके गर्भ को फलवंत घोषित करते हैं यीशु मसीह के नाम में, हम आपके पेट को आशीषित घोषित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप इसी साल प्रेगनेंसी की टेस्टिमनी के साथ वापस आएंगे चर्च में यीशु मसीह के नाम में। अपने पेट के ऊपर हाथ रखे घोषणा करो कि मेरा पेट फलवंत है, मेरा पेट ब्लेस्ड है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। हम यहां से आपको टच करते हैं, हम कमांड करते हैं, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लेस्ड, 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 यस, यस। अटैक होते हैं, बाइबल के वचन में लिखा हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें कोई दुष्ट आत्मा का अधिकार नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं हशता नहीं अटैक, हर व्यभिचार, हर चोरी का आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े, वो आउट हो जाए, होली स्पर्श आउट हो जाए, होली स्पर्श आउट हो जाए, वो सारा व्यभिचार आउट हो जाए, वो सारी दुष्ट आत्मा आउट हो जाए, वो सारा गंदा आत्मा आउट हो जाए, सारे शैतानी अटैक आउट हो जाए, वो सारे सपनों में आने वाले अटैक आउट हो जाए, वो सारी अंधकार की आत्माएं आउट हो जाए, वो सारा काला जादू आउट हो जाए, होली घोस्ट वंश आउट हो जाए, होली घोस्ट वंश आउट हो जाए, होली घोस्ट वंश आउट हो जाए, आउट 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 आउट, होली घोस्ट वंश आउट हो जाए, होली घोस्ट वंश आउट हो जाए, वो सारे व्यभिचार के अटैक आउट हो जाए, वो सारी गंदी आत्मा आउट हो जाए, वो सारा व्यभिचार का आत्मा आउट हो जाए, वो सारी अजूबा आत्मा आउट हो जाए, आउट 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 सज्जन अपने हाथों को उठाएंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो बीमारी के नीचे हैं, जो कैंसर के नीचे हैं, जो एड्स के नीचे हैं, जो एचआईवी के नीचे हैं। बाइबल के वचन में लिखा यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए ताकि हम बीमारियों से चंगे हो सकें। अगर आप इस बीमारी के नीचे हैं, अगर आप कैंसर के नीचे हैं, अगर आपको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, हम आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर ने आपके लिए कोड़े खाए, अपना लहू अपने बदन से बहाया, वो इसलिए बहाया कि आप हर बीमारी से चंगे हो जाएं। हम डिक्लेयर करते हैं आप हर बीमारी से चंगे हो जाएं, हर कैंसर से चंगे हो जाएं, हर एड्स से चंगे हो जाएं, हर काले पीलिए से चंगे हो जाएं, चंगे हो जाओ, 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 हर बीमारी से चंगे हो जाओ, हर रोग से चंगे हो जाओ, हर कैंसर से चंगे हो जाओ, हर एड्स से चंगे हो जाओ, 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 हर सर्वाइकल से चंगे हो जाओ, काले पीलिए से चंगे हो जाओ, कैंसर के रोगों से चंगे हो जाओ, प्रेम की उम्र से चंगे हो जाओ, आंखों के रोगों से चंगे हो जाओ, कानों के रोगों से चंगे हो जाओ, 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 बिल 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 बिल, हर बीमारी से चंगे हो जाओ, हर सर्वाइकल के रोगों से चंगे हो जाओ, प्रेम की उम्र से चंगे हो जाओ, आंखों के रोगों से चंगे हो जाओ, हर कानों के रोगों से चंगे हो जाओ, लीवर के रोगों से चंगे हो जाओ, हार्ट के रोगों से चंगे हो जाओ, 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 हार्ट के रोगों से चंगे हो जाओ, कैंसर के रोगों से चंगे हो जाओ, हर बीमारी आपकी बॉडी को छोड़े, वो सारी बीमारी का आत्मा की बॉडी को छोड़े, वो आज उठ जाए,
बीपी का रोग आ उठाए, शुगर का रोग आ उठाए, ब्लड का रोग आ उठाए, सर्वाइकल का रोग आ उठाए, कैंसर का रोग आ उठाए, प्रॉब्लम है। अगर आपको स्किन की बीमारी है तो अपने स्किन पे हाथ रखो, अगर आपको अस्थमा है तो अपनी चेस्ट पे, अपने गले पे हाथ रखो, अगर आप चल नहीं सकते तो अपने घुटनों पे हाथ रखो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको दिखता नहीं, आप बोलते नहीं, अपनी आंखों पे, अपने मुंह पे हाथ रखो। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, वो चंगे करने वाली सामर्थ्य जो परमेश्वर ने अपने दास को दी, जो परमेश्वर ने अपनी दासी को दी, हम यहां से उसे आप प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपकी हड्डियों को टच करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपकी बॉडी को टच करते हैं, आपका शरीर बल पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आपकी हड्डियां बल पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से, वो कोड़ों से जो ब्लड बह रहा था, वो क्रूस जब उठा के जा रहे थे यीशु मसीह, वो ब्लड जो बह रहा था, इसके ब्लड बहाने से, उसके क्रूस उठाने से आपकी शर्मिंदगियां भी उठा ली गई है। वो शर्मिंदगी व्हीलचेयर हो सकती है, वो शिकंजा हो सकता है, वो स्किन के रोग हो सकते हैं, हर एक तरह की शर्मिंदगी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आउट हो अपनी बॉडी से, आपकी बॉडी से वो आउट हो जाए। हम आपकी बॉडी को कमांड करते हैं, हम आपकी बॉडी के ऊपर घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह के पवित्र नाम में बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। बी हील्ड, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हर बीमारी से चंगे हो जाओ, 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 चंगे हो जाओ। अगर आपके बच्चों को ऑटिज्म है, आपको किडनी की प्रॉब्लम है, आपके डायलिसिस होते हैं, तो आप अपनी किडनियों पे हाथ रखो, अपने सर पे हाथ रखो, ऑटिज्म वाले बच्चों के सर पे हाथ रखो। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा जिसने उन बच्चों को बनाया, शैतान की सारी प्लानिंग उन बच्चों की लाइफ से फिनिश करता है वो परमेश्वर का आत्मा। सारी शैतान की योजना आपके बच्चों की लाइफ से फेल हो जाए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। हम यहां से सो अनॉइंटेड प्लेस से, इस मसे वाली प्लेस से जो out in the name of Jesus, out in the name of Jesus, out, 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 out. अगर आप रिजेक्शन की आत्मा का सामना कर रहे हैं, आप जहां काम करते हैं वहां काम करने में तो बहुत आप अच्छे हैं, लेकिन फिर भी लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं, आप बहुत दिल से बहुत अच्छे, लेकिन लोगों का फेवर आपकी लाइफ के ऊपर नहीं आता, ये शैतान की एक योजना है, रिजेक्शन की एक आत्मा है, वो सारी रिजेक्शन की आत्मा। आप जहां स्कूल में पढ़ते हैं, आपसे अच्छे दोस्त जो उनके साथ लोगों की बनती, लेकिन आपके साथ किसी की नहीं बनती, आपको लोगों ने रिजेक्ट करके रखा हुआ है, आज ये रिजेक्शन की आत्मा, सारी आत्मा जिसने आपको रिजेक्ट करवाया, जिसने आपके बिजनेस से आपको रिजेक्ट करवाया, जिसने आपकी जॉब से आपको रिजेक्ट करवाया, जिसने आपके फ्रेंड से आपको रिजेक्ट करवाया, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आज आपको छुए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। सारी रिजेक्शन की आत्मा आपकी बॉडी से, आपके ब्लड से, आपके सिस्टम से आउट हो जाए, आउट हो जाए, सारी रिजेक्शन की आत्मा। Sorry.
सारी रिजेक्शन की आत्मा आउट हो जाए, 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 आउट हो जाए। अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप अपने बॉस के साथ वफादार हैं, फिर भी आपका बॉस आपको बार बार रिजेक्ट करता है, आप हर एक काम में रिजेक्शन को हासिल करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा वो आपको सफलता देने के लिए तैयार है। उसने कहा जो तेरे हाथों के काम सफल होंगे, उसने कहा जिस काम में तू हाथ लगाएगा वो काम सफलता को लेके आएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह अपनी जिंदगी के ऊपर पाएगा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हर एक रिजेक्शन की आत्मा आपको छोड़ के चली जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक रिजेक्शन की आत्मा को हम हुक्म देते हैं आपके लाइफ से यीशु मसीह के नाम में। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट, 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 कम बैक करो, कम बैक करो, आउट, कम बैक करो, कम बैक करो। अपनी फाइल को, अपने पासपोर्ट को, अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हैं, अपने हाथों को उठा लो, अपने फाइल्स को हिलाओ, अपने घरों में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम उन फाइल्स को, हम उस डॉक्यूमेंट्स को टच करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। अगर आज के बाद अपनी डॉक्यूमेंट्स आप जॉब के लिए लगाएं तो वो जॉब प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको मिलने पाए। अगर वो वीजा के लिए लगे तो वीजा आपको मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर तरह की डिले की आत्मा, हर तरह की फेलियर की आत्मा, उन डॉक्यूमेंट्स से हम आउट करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को टच करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने भी लोग इस प्रार्थना पहाड़ के प्रेयर रिक्वेस्ट के नीचे हैं, हम आपको टच करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आपके डॉक्यूमेंट्स को टच करते हैं, आपकी फाइल्स को टच करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम इन्हें घोषणा करते हैं कि ये ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आपके डॉक्यूमेंट्स ब्लेस हो जाए, आपकी फाइल्स ब्लेस हो जाए। Be blessed in the name of Jesus. 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 जो काम आप 5 महीनों में शुरू करना चाहते थे, जो काम आप 1 साल में शुरू करना चाहते थे, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा वो आपके कामों में स्पीड दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो काम आज ही इसी मंथ इसी दिन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो काम चालू होने पाए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। हम आपको आशीषित घोषित करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम आपको ब्लेस घोषित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम आपके परिवार को ब्लेस घोषित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम आपके फाइनेंस को ब्लेस घोषित करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ आपके फाइनेंस में कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ आपके घरों में कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में आपका फाइनेंस खड़ा हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में वो मुर्दा देह जी उठे यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो मुर्दा हड्डियां उठ जाए यीशु मसीह के नाम में। बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाओ, ऊंची ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरी लाइफ में काम करने के लिए, मुझे चंगा करने के लिए, मुझे हील करने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो अब समय है अपने बीज अपनी ऑफरिंग को बोने का। तो अपनी ऑफरिंग अपने टाइथ अपने सीड को निकालने परमेश्वर के कामों के लिए, और आज अपनी बेस्ट ऑफरिंग को अपने परमेश्वर के कामों के लिए बोना है। और आप माइटी बेन पार्टनरशिप को लेने के लिए जो नीचे 4 नंबर दिए गए इनके ऊपर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप टीवी मिनिस्ट्री इवेंजलिज्म पार्टनरशिप यानी सुसमाचार के कामों में भी अपनी ऑफरिंग को अपने सीड को डाल सकते हैं। अपने सीड को जरूर बोएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक
परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को पहुंचाया जाए। तो आज आपने बेस्ट ऑफरिंग को बोना है परमेश्वर के कामों के लिए, और इन तीनों पार्टनरशिप को आपने जरूर लेना है, ताकि जो काम परमेश्वर ने शुरू किया है आप उसमें अपने हिस्से को, अपने योगदान को डाल सकें। और आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं, जैसे कि ICICI बैंक और HDFC बैंक। इन दोनों बैंक अकाउंट्स के डिटेल को आप नोट कर लें। आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप चर्च के अकाउंट्स में अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, अपने टाइथ को सेंड करते जाएं। और भी बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे कि ऑनलाइन मीडियम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। आप गूगल पे, जीपे के जरिए अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। ICICI बैंक, उसका QR कोड आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। इस QR कोड को आप अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करें। यदि आप किसी भी तरह का मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे गूगल पे है, चाहे फ़ोन पे है, चाहे भारत पे है, चाहे पेटीएम है, चाहे इसके अलावा भी कोई अदर एप्लीकेशन है, तो आप ICICI बैंक और HDFC बैंक के QR कोड को अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से इजीली अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। और आप इसे, जो लोग फॉरेन से, विदेश से, आपने ऑनलाइन इस मीटिंग को अटेंड किया है, आपने परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुना है, तो आप भी अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजने के लिए, जो आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर तीन कॉन्टेक्ट नंबर दिखाए जा रहे हैं, इन तीनों में से किसी भी नंबर के ऊपर किसी भी समय आप कॉल कर सकते हैं अपनी ऑफरिंग, अपने सीड, अपने टाइथ को भेजने के प्रति। यदि कोई भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप एनी टाइम, एनी डे आप इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को, जानकारी को ले सकते हैं, और टीम आपको गाइड करेगी कि आपने कैसे अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजना है। हालेलुया, तारीफ करें जोर से परमेश्वर के लिए, जोर से थैंक यू जीसस बोलते तारीफ कर दो। अगर आज आपने पहली बार इस प्रार्थना को अटेंड किया है, आप अपने हाथों को उठा लीजिए और सब जन हमारे पीछे बोलेंगे, बोले प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मुझे माफ करें, मुझे अपने लहू से धोकर साफ करें, क्योंकि मैंने सुना है कि आप ही पापियों को क्षमा करने वाले परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह, मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को क्षमा करके मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे। आमेन, आमेन। तारीफ करते जाएं जोर से अपने घरों से और ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप जानते हैं जो पिछले हफ्तों में जो मीटिंग्स हुई उसमें परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े काम किए, अपने घरों में तारीफ कर दो इन मीटिंग्स के लिए जोर से। आपने देखा होगा सबसे पहले पाम संडे मीटिंग को, उसके बाद होली कम्युनियन मीटिंग जो थर्सडे को हुई, उसके बाद गुड फ्राइडे मीटिंग को, उसके बाद ईस्टर जी उठने की मीटिंग को भी देखा होगा। प्रभु यीशु मसीह ने इतने इतने बड़े काम किए, जो वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा दिया, जो वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर के दास ने दिया, जो वचन उन्होंने इन मीटिंग्स में दिया, आप विश्वास करें। आप अगर उन वचनों के ऊपर चल रहे हैं, अगर आपने उन वचनों को सुनना और मानना और उनके ऊपर चलना शुरू कर दिया है, तो परमेश्वर भी आज के बाद आपकी लाइफ में काम करना शुरू कर चुके हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम। तारीफ कर दो जोर से उन मीटिंग्स के लिए और ऊंचे आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं जीवी चर्च का हिस्सा बनने के लिए। जीवी चर्च वो चर्च जहां सिर्फ वचन सुनाया ना जाता हो, वहां परमेश्वर के काम भी होते हो, वहां लंगड़े चलते भी हो, वहां देखते भी हो। अगर आप हमारी चर्च का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एड्रेस आ रहा है, नियर टीवी टावर जलंधर में, विलेज खामबरा में वो एड्रेस है, वो वहां हमारी चर्च स्थित है, वहां आ सकते हैं। संडे और थर्सडे वहां पे मीटिंग होती है, आप वहां पे आके परमेश्वर की प्रेजेंस को, परमेश्वर की उपस्थिति को फील कर सकते हैं, परमेश्वर के दास के द्वारा वचनों को सुन सकते हैं, आप हीलिंग को ले सकते हैं, आप अपनी गवाहियों को ले सकते हैं। हमारी पंजाब में भी बहुत सी ब्रांचेज है, पंजाब में हमारी बहुत सी ब्रांचेज है, जैसे गुरदासपुर में, कपूरथला में, अमृतसर में, नडाला में, फिरोजपुर में, सारे ऑलमोस्ट सारे पंजाब के जिलों में हमारी ब्रांचेज है। उन ब्रांचेज के एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, उन एड्रेस का आप स्क्रीन शॉट लेते जाएं। अब हमारा विश्वास है अगर आप इन पंजाब की ब्रांच में जाना शुरू करेंगे, तो जो मसा परमेश्वर के दास की लाइफ में काम कर रहा है, वो सेम मसा इन ब्रांचेस में भी काम करता है। आप जैसे इन ब्रांचेस में जाना शुरू करेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा आपको हील करेगा, उसका आत्मा आपको छुड़ाएगा। हमारी पंजाब से बाहर भी बहुत सी ब्रांचेस है, जो इंडिया में है उस ब्रांचेस में आप जाना शुरू कर सकते हैं। आप जानते हैं गोवा में, दिल्ली में, बिहार में बहुत सी हमारी ब्रांचेस है,
इन ब्रांचेस के एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, इन ब्रांचेस के फुल एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं, आप इन एड्रेस का स्क्रीनशॉट लेते जाएं, आप ए प्रॉपर इन एड्रेस को देख के इन ब्रांचेस में जाके उस ग्रेस को, उस मसीह को जो परमेश्वर के दास के ऊपर है, आप उसे रिसीव कर सकते हैं। और फॉरन में भी हमारी बहुत सी ब्रांचेज हैं, आप अगर हमें कैनेडा से देख रहे हैं, आप हमें यूएसए से देख रहे हैं, यूके से देख रहे हैं, जहां से भी आप हमें देख रहे हैं, तो हमारी बहुत सी ब्रांचेज है जो हमारी फॉरन में है, उन ब्रांचेज के एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, उन ब्रांचेज के स्क्रीनशॉट लेते जाएं, आप उनके एड्रेस फुल टाइमिंग, फुल टाइम जब वो चर्च स्टार्ट होता है उसका टाइमिंग आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, उसका फुल एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। अगर आपके आसपास कोई भी वहां फॉरेन में ब्रांच है तो आप उस ब्रांच में जा सकते हैं, वहां से भी इतनी इतनी बड़ी टेस्टिमनीज आती हैं कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि परमेश्वर का आत्मा फॉरेन में भी लोगों को छू रहा है, उन्हें आजाद कर रहा है, उन्हें ब्लेस कर रहा है। तारीफ कर दो इन सभी ब्रांचेस के लिए जो परमेश्वर ने अपने दास को दी। थैंक यू जीसस। हमारा विश्वास है कि जो आज यहां से प्रार्थना हुई, जो आज परमेश्वर ने अपने दास को प्रेयर माउंटेन दिया है, सामर्थी प्लेस जो दिया है, आज जो यहां से आपके लिए प्रार्थना हुई, हमारा विश्वास है परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, परमेश्वर ने आपको ब्लेस्ड किया है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेस्ड है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हम आपको परमेश्वर की ही प्रेजेंस में छोड़ते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, सब कुछ है मसीह की। मेरा नाम डॉली है, मैं बिहार से हूँ। और 2 साल पहले मेरे ऊपर व्यभिचार के अटैक होने शुरू हुए, मैं रॉन्ग रिलेशनशिप में चली गई थी, फिर मैं गालियाँ निकालने लग गई थी, मैं गलत मूवीज देखने लग गई थी। मेरी फैमिली को भी पता था, मेरी फैमिली मुझसे बहुत परेशान थी, बहुत लड़ाई झगड़े होते थे हमारे घरों में, सुसाइडल अटैक्स मेरे ऊपर होते थे, सुसाइड करने का मेरे मन में काफ़ी ख्याल आते थे। मैं फ्री, क्योंकि मैं बड़ा शौकीन होती थी, मैं फ्री नहीं हो पा रही थी। फिर मैं प्रेयर माउंटेन को देखती, मैं प्रेयर माउंटेन के प्रेयर्स को रिसीव करती थी, और उसके बाद मैं कम्प्लीटली फ्री हूँ। मेरा हार्ट जो है ना, मेरा हार्ट एकदम कठोर हो गया पाप को लेकर के। उसके बाद मेरा कोई पाप करने का दिल नहीं किया, कोई मैं सारे नंबर्स ब्लॉक कर दी, सब कुछ से मैं फ्री हूँ, कम्प्लीटली फ्री हूँ। 3 महीने से मैं कम्प्लीटली फ्री हूँ। सबको जय मसीह की। इसके लिए मैं परमेश्वर को और परमेश्वर के दास दासी अपने स्पिरिचुअल फादर मदर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। कमलेश है, मैं प्रभु में हूँ, मेरा विश्वास प्रभु पर था। मैं 2-3 दिन से बीमार चल रही थी, और बीमार होने की वजह से मेरे को सांस की प्रॉब्लम होने लगी, और मैंने माउंटेन प्रेयर अटेंड करी। अटेंड करने के बाद मुझे खांसी में थोड़े मांस का टुकड़ा निकला, और टुकड़ा निकलने के बाद मेरी सांस अच्छी हो गई। प्रभु ने मुझे शिफा दी, और प्रभु ने मुझे चंगा किया, प्रभु ने मुझे सुहा, वो मांस का टुकड़ा निकला। और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, पापा मम्मा का धन्यवाद करती हूँ, और प्रेयर वॉरियर का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। सारे ग्रेसी को, मैं जम्मू से हिम्मत कुमार आपको टेस्टिमनी दे रहा हूँ। मेरी सिस्टर की साथी थी, मैं पैरिस में था, उन्हें रॉय ने मेरे को बोला जाओ पानी लेके आओ। मैं अपनी गाड़ी लेके पानी लेने गया, उधर वो गाड़ी गर्म हो गई, उसका मैंने रेगुलेटर जल्दी भी खोल दिया, क्योंकि वो हवाई में बुला रहा था, वो पैरिस में आई जल्दी। जैसे मैंने रेगुलेटर खोला, उसका फ्रेश इतना ज़्यादा था, मेरे मुंह में भी पानी गिर गया उसका, और मेरे बाजू भी पानी गिर गया, मेरी बाजू पूरी ख़राब हो गई। उसी वक्त डॉक्टर के पास गया, उसने दवाई लगवा के भेज दिया, बोला मेडिसिन खाओ उसकी, तो इसका ट्रीटमेंट चलेगा, लंबा चलेगा इसका। फिर मैं घर में पैरिस में आ गया, बरात अटेंड की, फिर दूसरे में जम्मू में गया, जम्मू उन्होंने बोला ठंडी पट्टी कराओ उसकी, कोई 15-20 दिन पट्टियाँ करवानी पड़ेगी। लेकिन मैंने 2-3 पट्टियाँ करवाई, फिर मैंने कॉल सेंटर माउंटेन प्रेयर ज्वाइन की, और कॉल सेंटर मैंने कॉल की, उन्होंने बोला मैंने यही प्रॉब्लम, मेरे को दर्द बहुत हो रही है, कोई जख्म नहीं आ रहा। उन्होंने बोला आपके पास आयल है, मैंने बोला हाँ मेरे पास आयल है, और फिर मैंने आयल यूज किया, दिन में 3-4 बार मैं यूज करता था, और आस्ता आस्ता वो रिकवर होता गया वो, और मैं अब ठीक ठाक हूँ। कोई मेडिसिन भी खाई उसके बाद, 2-4 बार मेडिसिन खाई उसके बाद मैंने बंद कर दी सारी मेडिसिन, और 15-20 दिन के बाद मैं ठीक हो गया, सारा जगह मेरा ठीक हो गया, अब बिल्कुल मैं ठीक हूँ, फिट हूँ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब प्रेयर माउंटेन से हो रही हर रोज की प्रार्थनाओं को जब वो शुरू हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और भी बहुत सी लाइव टीचिंग्स होती हैं जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नुरुल्ला जी देते हैं। उन सभी टीचिंग्स को समय पर और सबसे पहले सुनने के लिए
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। आज नचना आज ही खोल के यसु 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 बोल के, आज नचना आज ही खोल के यसु 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 बोल के, आज नचना आज ही खोल के यसु 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 बोल के, आज नचना आज ही खोल के यसु 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 बोल के। मौत दा भी ओदे उत्ते चलिया नी डोरी यसु जी उठे आ, उठिया चल बस अज देखो बच्चे आए शोरी उठिया।
बचिया छोरी सुनी उठिया।